मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ चुके हमारे टेरेस गार्डन पे और काम शुरू करेंगे। आज डेट है 14 या 15 सितंबर होगी, ठीक है। तो काम शुरू करेंगे। इससे पहले मेरे ऑनलाइन बल्ब आ चुके थे और सीड्स आ चुके थे, तो आज मुझे लगा ये सारे ये हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के, तो इन्हें मैं ग्रो करूँगी। और वीडियो की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि क्या करना है विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के। अभी से आपको बल्ब के सीड्स जितने जल्दी हों ग्रो कर लो, उससे फ्लावरिंग भी उतना जल्दी होगी। मतलब विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स क्या करते हैं, जर्मिनेशन में तो ठीक है टाइम लेते हैं, मगर फ्लावरिंग में वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। इसीलिए मैं उन्हें भी ग्रो कर रही हूँ, टाइम भी अच्छा है। जैसे जैसे टाइम निकलेगा, टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा, ग्रो करने में थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट होती है। इसलिए सितंबर लास्ट और अक्टूबर स्टार्टिंग मिड और अक्टूबर लास्ट तक आप ये सारे काम कर लो विंटर गार्डनिंग के। इसके तो मैंने मंगा लिए हैं, और भी कुछ मंगाऊंगी, और भी कुछ लाऊंगी, तो सब आपके साथ में शेयर करूंगी। तो अभी जो मैंने कल मंगाए थे ना, इसके क्या बोलते हैं विंटर गार्डनिंग के बल्ब और सीड्स, वो ग्रो कर रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि क्या करना है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले टेरेस गार्डन का एक वर्क आपको ओवरव्यू देते हैं। देखो, इस तरीके से हो जाता है हमारा ये टेरेस गार्डन। ये सारे हमारे प्लांट्स, ये देखो इस तरीके से ऐसे ये हैंगिंग। इधर वाले जो पार्ट में है ना, ये फुल्ली इंडोर कह सकते हो प्लांट्स जो भी यहाँ रखे हैं ना मैंने, ये सारे। और चेंजेस मैं लगातार करती रहती हूँ, कभी आपको प्लांट कभी इधर कभी इधर शिफ्टिंग मिलती रहेगी, क्योंकि मैं करती रहती हूँ जगह करने के लिए, ठीक है। ये सारे प्लांट्स हैं, अब इनकी ये प्रॉपर जगह नहीं है। जब मैं यहाँ सीड्स वगैरह लगा दूंगी ना, तो ये मेरी सीड के प्रॉपर जगह उठाएगी। इनको शिफ्ट करके वहाँ रख दूंगी और फिर इन्हें हटा दूंगी। तो इस तरीके से मेरे ये चेंजेस चलते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये मेरे प्लांट्स हो जाते हैं। देखो, मेडिकल सूख रहे हैं, पानी डालना है अभी, तो फटाफट से काम करने के बाद में ये बल्ब और सीड लगा दूँ, उसके बाद मैं काम शुरू करूँगी। ये मेरे रोजेज में यहाँ ले आई हूँ, रोजेज में भी मुझे काम करना है, काम बहुत सारे हैं। एक बार ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स, बल्ब और ये सब का काम खत्म हो जाए ना, तो फिर इनका काम करूँगी। ये देखो, इन सबकी मैंने कटिंग प्रूनिंग तो कर दी, बाहर वालों की भी कर दी, पर कटिंग प्रूनिंग अच्छे से, तो इन पर काम करना है अभी, ठीक है। इनको खाद देनी है, फर्टिलाइज़र देना है, खाद फर्टिलाइज़र तो बस ही नहीं हुआ, बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है। वो करेंगे लगातार, तो जो जो काम पहले मेन ज़रूरी होता है ना, वो काम मैं कर रही हूँ, ठीक है। बाहर मेरी ये वाले प्लांट्स हो जाते हैं, और ये मैंने सीड्स लगाए थे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के, सारे ही है सीड ये, ठीक है। इसमें से कुछ सीड्स तो मेरे पिछली बार के हैं, उसके क्या बोलते हैं सीजन के, पिछले विंटर प्लांट्स में, पिछले विंटर सीजन में मैंने जो बचा के रखे थे, ये दो उसमें से हैं। बाकी ये सारे मैंने ऑनलाइन मंगाए थे और वीडियो भी आपके साथ में शेयर की थी। ये भी पिटूनिया के हैं सारे, मल्टी कलर, ये भी पिटूनिया है, ठीक है। और ये मैंने अभी मंगाए थे, और इसकी तो वीडियो आपके साथ में फुल्ली मैंने शेयर भी की थी, इनकी भी शेयर की थी कि कैसे है। हर एक की वीडियो आपको मेरे उसमें मिल जाएगी चैनल पे। देखो, सबकी ग्रोथ हो चुकी है सभी की। देखो, डहेलिया कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ये सारे अच्छे से ग्रो कर गए, ठीक है। तो अभी मैंने मंगाए हैं कुछ है, ये कौन सा है, कैलेंडुला, ठीक है। अभी मैंने मंगाए हैं कुछ बल्ब और सीड, तो अगेन वो मैं पहले काम कर लूँ, उसके बाद फिर दूसरे सारे काम करने हैं। अभी विंटर सीजन आने वाला है ना, उससे पहले सारे ही काम मैं कर लेती हूँ, और फिर धीरे धीरे दूसरे काम करेंगे। तो चलो, ठीक है, शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सब सामान ले आई हूँ, ये सब सामान ले आई हूँ, बैठते हैं यहाँ और काम शुरू करते हैं। रैनन कुलस का नहीं, इसका क्या नाम है, इसका भी बताती हूँ आपको। इसका बल्ब मैंने ग्लैडुलस, हाँ नाम ही अजीब सा याद होता है यार, ठीक है। इसका एक बल्ब पिछले बार का है, ये अच्छे से ग्रो कर गया, ठीक है। इसको मैंने इसमें लगा दिया है। तो इस तरीके से मैं बल्ब पिछले सीजन के भी कुछ बचे होते हैं ना, वो भी ग्रो कर देती हूँ, और अभी मैंने मंगाया है वो भी लगाते हैं। अब बैठ जाते हैं काम करने के लिए। सबसे पहले तो मैं सीड लगाऊंगी। सीड लगाने के लिए मैंने ये वाला मेरा प्लांटर ले लिया है, ठीक है। ये काफ़ी दिनों से धूप में था, धोने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, वापस इसमें पॉटिंग भी डालेगा, ठीक है। अब ये सारे जितने सारे होल आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे इन सारे होलों को मैं इस तरीके से, ये मेरे जो टूटे हुए गमले के पार्ट्स रहते हैं ना, इनसे मैं कवर कर देती हूँ। रीज़न क्या है, जिससे कि हमारा ये जो हम इसमें पॉटिंग मिक्स डालें या फर्टिलाइज़र डालें या कुछ भी है, या हमारे सीड निकल के नीचे ना चले जाए, ठीक है। ऐसे जाएंगे नहीं, सीड्स तो नहीं जाएंगे, वो तो ऊपर रहता है, मगर हमारा सारा पॉटिंग मिक्स वगैरह निकले ना और होल्स बंद ना हो, इसलिए, ठीक है। ये तो जैसे कि मैंने कहा था आपको, पहले मैं सीड लगा के दिखाती हूँ। विंटर फ्लावरिंग प्लांट के से पहले भी मैंने सीड लगाया, मगर इस बार की सीड थोड़ी से अलग है, क्योंकि विंटर फ्लावरिंग में के प्लांट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत ही सारे, ठीक है। तो बचे कुछ जितने भी थे वो मैंने मंगा लिए, अभी भी और भी होंगे वो देखेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं ना
सीड नहीं लगाऊंगी क्योंकि अब धीरे धीरे सीजन जा रहा है। अच्छा ये पॉटेनिस तो कोई ने बताया नहीं, मतलब धीरे धीरे अगर मैं सीड अब लगाऊंगी इसके बाद भी लगाऊंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी तो दूर दूर तक मेरा कहीं कोटा जाने का है नहीं क्योंकि यहाँ नहीं मिलते हैं कुछ भी, इवन सीड भी नहीं मिलते। ऑनलाइन मंगाओ तो ऑनलाइन में कम से कम 10 दिन लग जाता है जैसे कि आपको पता है, और जितना लेट मंगाऊंगी उतना लेट ग्रो होगा। देखो फिर भी क्या रहता है, कंडीशन क्या रहती है वो सब आपको बताएंगे, मगर बस ये सीड लगाने का तो मेरा लास्ट का है, ठीक है। क्योंकि जितना लेट में लगाऊंगी उतनी लेट ही मेरी फ्लावरिंग होगी, और कभी कभी तो होती भी नहीं है, मतलब सीजन निकल जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से मैं पॉटिंग मिक्स, अब पॉटिंग मिक्स में सीड के लिए के मैं क्या डाल रही हूँ आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसमें है मेरा 50% तो इसमें मैं डाला है वो कोकोपीट। कोकोपीट किस लिए, कोकोपीट इसलिए कि इसमें वो बना रहे हैं मॉइस्चर अच्छा सा बना रहे आपके सीड्स में, तो कोकोपीट इसलिए डाला जाता है जिससे आपके सीड्स में अच्छे से मॉइस्चर बना रहे। बस इतना सा डालूंगी, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है मगर इसमें इतने अंदर तक मैं वो नहीं डालूंगी, इतना पॉटिंग मिक्स से नहीं बढ़ने वाली हूँ, बस इतना काफ़ी है। जितना पॉटिंग मिक्स कम रखेंगे ना उतनी ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है क्योंकि सीड्स होते हैं बहुत छोटे छोटे से। इस तरीके से इसमें भी लगा दिया मैंने ऐसे, ठीक है, ये ऐसे इतना काफ़ी है कि जितना ज़्यादा पॉटिंग मिक्स देंगे ना उतने सीड्स ग्रो होने में दिक्कत होती है। ये इतने इतने पॉटिंग मिक्स मैंने डाल दिया, अब इसमें हम सीड लगा लेते हैं। सीड कहाँ है, कहाँ का ये, और इसमें वो भी है क्या बोलते हैं नीम खली, नीम खली या हल्दी पाउडर थोड़ा थोड़ा डाल दो जिससे आपके सीड्स में वो फंगस वगैरह ना लगे, ठीक है, सीड्स ख़राब होने के चांसेस कम हो। सबसे पहले तो मैं नाम लिख लेती हूँ, और नाम भी लाई, नाम लिख लो फिर आपसे मिलती हूँ। देखो मेरे पास चार प्लांट्स थे, ठीक है, चार सीड्स थे, हॉलीहॉक का नॉर्मल, हॉलीहॉक का हाइब्रिड इधर ले आते हैं, ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप वैरायटी जिसकी में ऐसे ऐसे फूल होते हैं उसके, अरे भाई इधर आ जा गिर गया, जिसमें ऐसे फूल होते हैं इसके हॉलीहॉक के, ठीक है। एक नॉर्मल होती है जो ऐसे फ्लावर होता है, ये है हमारा पॉपी फ्लावर, बहुत अच्छे इसके वो होते हैं क्या बोलते हैं फ्लावर बहुत सुंदर होता है इसके आइस पॉपी के, ठीक है। और ये हो गया हमारा, कौन सा हो गया हमारा, एंथूरियम, ठीक है। तो ये चार मैंने बना ली है, एंथूरियम का, ये पॉपी फ्लावर का, ये हॉलीहॉक ड्रॉप का, ड्राफ्ट का, और ये मतलब हाइब्रिड का, ठीक है, ये हॉलीहॉक नॉर्मल का, ठीक है। अभी सारी ही सीड पहले मैं कट कर लेती हूँ इनको, यहाँ से ऊपर से पैकेट को सीजर से कट करते हैं। ये पैकेट्स है ना संभाल के रखूंगी क्योंकि जब नेक्स्ट सीजन में इन्हीं में से सीड्स निकालूंगी ना तो इन्हीं पैकेट्स में वापस रख दूंगी, ठीक है। तो ये पैकेट संभाल के रखने होते हैं। ये लीजिए हॉलीहॉक का, मैंने पॉटिंग में सबको बता दिया था क्या शायद भूल गई थी, बीच में और कुछ काम करने लग गई होंगी। तो इसमें 50% मेरा है कोकोपीट का रेशो जिससे मॉइस्चर बना रहा है, ठीक है। फिर इसमें आप ले लो 10% गार्डन सॉइल, 10% रिवर सैंड ले लो, और बाकी इसमें आप ले लो वर्मी कंपोस्ट 10% और 10% आप इसमें डाल दो, या तो कोई भी फंजीसाइड, आपका हल्दी पाउडर भी हो सकता है, ये साफ का साफ है ये भी हो सकता है, और नीम केक भी हो सकता है, कुछ भी फंजीसाइड, इसलिए कि इसमें वो नहीं लगे क्या बोलते हैं फंगस वगैरह ना लगे। अब ये हॉलीहॉक के मैं सीड्स खोल लेती हूँ, एक सीड मैं आपको बता रही हूँ बाकी सभी इसी तरीके से लगाऊंगी, ठीक है। ये हो गए हमारे हॉलीहॉक के सीड्स, काफ़ी अच्छे हैं, बड़े हैं और काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में, ये देखो अच्छे खासे बड़े सीड्स हैं हॉलीहॉक नॉर्मल। अगेन पिक्चर दिखा देते हैं आपको ये वाली, ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसी में ये सारे मैं संभाल के रखूंगी, जब मेरा ये विंटर का सीजन जाएगा तो इन्हीं के मैं मेरे प्लांट्स में से सीड्स निकाल के इसी में भर भी लूँगी। तो सीड्स काफ़ी बड़े होते हैं हॉलीहॉक के, मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ हॉलीहॉक, ठीक है, और ऐसे दूर दूर करके स्प्रिंकल करूँगी, पास में नहीं लगाना है, ऐसे दूर दूर ओवरलैपिंग नहीं करनी होती है सीड्स की। देखो ऐसे 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 जितना आप दूर लगा पाए उतना दूर आपको लगाना है। तो चलो ठीक है, पहले मैं ऐसे तरीके से डाल लेती हूँ तो टाइम जाएगा, ऐसे ही मैं सारे सीड्स की लेयर बिछा दूंगी, इसकी बिछा दी हॉलीहॉक हाइब्रिड वाले की बिछा दी आइसलैंड की, और इसकी इस तरीके से सारी सीड्स बिछा दूंगी। अगर सीड्स कुछ अलग हुए वो भी मैं आपको बीच में बताऊंगी, नॉर्मल हुए तो इसी तरह वीडियो चलने दूंगी, और अगर सीड्स बहुत ज़्यादा छोटे हुए या कुछ हुए ना तो मैं आपको उसकी वीडियो भी बताऊंगी। बाकी इस तरीके से सारी ही सीड्स मैं बिछा लूंगी एक एक लेयर, बस ध्यान रखना है कि आपको सीड्स थोड़े दूर दूर होने चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो सीड है ना ग्रो होने में दिक्कत होती है, आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं होता है, ठीक है। ऐसे
मैंने हॉली हॉक के ये मतलब नॉर्मल सीड लगा दिए, ये हाइब्रिड सीड लगा दिए है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लगाए हैं इसके एंटीरेनम के। एंटीरेनम के सीड्स बहुत ही जैसे राई के दाने होते हैं ना वैसे होते हैं, देखो बहुत ही बारीक, जैसे पिटूनिया के सीड होते हैं ना वैसे, बिल्कुल राई के दाने से भी बहुत छोटे छोटे से। तो इसको कैसे लगाना है अभी आपको बताती हूँ। के लिए मैं ये वाइड वाला ये ले रही हूँ, ठीक है। और ये देखो इसके सीड्स कितने बारीक हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने पिटूनिया के सीड लगाए थे ना, अब मेरे को वीडियो रखे, ऐसे स्प्रिंकल करने पड़ेंगे दूर 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 दूर, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा वाइट प्लांट लेना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के तो मैंने दूर दूर लगा दिया, देखो डिस्टेंस है, ठीक है। इनको जैसे ऐसे पिंच कर, मतलब उठा के ऐसे दूर दूर स्प्रिंकल करने पड़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा वाइट प्लांट लेना होता है। तो चलो ठीक है, ये वाला भी काम कर देते हैं। इसके बाद बचेंगे मेरे पास पॉपी फ्लावर के, तो इसमें और एक और है मेरे पास कंटेनर, इसमें पॉपी फ्लावर के सीड इन दोनों में लगा दूंगी मैं आधे आधे डिवाइड करके। देखो पॉपी फ्लावर के सीड भी सेम इसी की तरह है जैसे एंटीरेनम के थे ना, शायद इसको एंटीरेनम को डॉग फ्लावर भी कहते हैं, आई थिंक सो। देखो उसका प्रिंट दिखाऊं, नॉर्मल जो अपन लैंग्वेज में कहाँ गया ये देखो डॉग फ्लावर भी कहते हैं, मैं पास से देखती हूँ, हाँ शायद डॉग फ्लावर को एंटीरेनम कहते हैं, हाँ ठीक है। बहुत सारे नेम होते हैं, इजी नेम तो यही है डॉग फ्लावर, ठीक है। अब लगा देते हैं पेंसी के भी, पेंसी के या पॉपी के भी सीड्स सेम इसी की तरह है जैसे इसके थे, ठीक है। इसको मैं दो उसमें लगाऊंगी, पॉपी फ्लावर के एक इसमें लगा दूंगी आधे, और आधे इस वाले में लगा दूंगी, टैग दोनों में ही लगाऊंगी नहीं तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। एक पहले टैग बना देते हैं पॉपी फ्लावर का। इस तरीके से मैंने ये सारे ही सीड लगा लिए, इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, इधर ये दोनों पॉपी फ्लावर के हो गए, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, और टेम्परेचर बिल्कुल सही होना चाहिए, मैं अभी कर रही हूँ सुबह सुबह जल्दी आके 6:30, ठीक है। या तो आप शाम को लगाओ या सुबह लगाओ, और लगाने के बाद इसे आप बिल्कुल उसमें रख दो छाया में, बिल्कुल शेड में। और उसके बाद जैसे कि मैंने पहले वाले सीड रख रहे थे ना, यहाँ अंदर इस जगह छाया में रखूँगी, यहाँ ऐसे शेड में, ठीक है। और उसके बाद में कम से कम 10 दिन बाद में इसे धूप में शिफ्ट कर दूंगी, मॉर्निंग की धूप में, सुबह सुबह की, जैसे मैंने वहाँ शिफ्ट करके रखे ना, अभी आपको बताए थे वहाँ पीछे की तरफ इसके पीछे रखे, तो वहाँ धूप आती है मगर सिर्फ सुबह सुबह की 10-11 बजे की, वो भी छन के हल्की फुल्की। देखो ऊपर मैंने शेड लगवा रखा है ऐसे, ये पूरे पे हमारे है शेड, तो एकदम तेज़ धूप नहीं आती उस जगह, ठीक है। तो वहाँ रखने, और जब मुझे लगेगा कि हाँ अब इन्हें सेपरेट कर लेना चाहिए, अब ये अच्छी से ग्रोथ करने लगे, तो फिर इन्हें मैं शिफ्ट करूँगी दूसरे प्लांटर में। और उसके बाद फिर प्लांटर में शिफ्ट करने के बाद फिर 2-4 दिन तक उन्हें छाया में रखेंगे, उसके बाद फिर कड़ी धूप में रखेंगे, क्योंकि ये जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, इन्हें जितना आप धूप में रखोगे ना उतनी ज़्यादा ये ग्रोथ अच्छी करते हैं, मतलब उतनी ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है। फिर बाद में उन्हें रखेंगे धूप में, फुल धूप में। और इसमें जो मैंने सीड लगाए ना, इसके ऊपर 1-1 इंच की मैं ऐसे लेयर बिछा रही हूँ ऐसे, इस तरीके से। और इन्हें ना शावरिंग करके पानी देना है, शावर करके, वैसे नहीं देना है किसी टैप के थ्रू, डायरेक्ट नल से ऐसे करके शावर करना है स्प्रिंकल करके, नहीं तो क्या होगा, ये सीड्स इधर उधर बिखर जाते हैं और ग्रो होने में टाइम लगाते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत कम लेयर बिछा रही हूँ, ये जो मेरे जितने ज़्यादा छोटे सीड्स होते हैं ना उनके ऊपर पतली लेयर बिछानी होती है, और जो थोड़े से मोटे सीड हो उन पर थोड़ी सी हल्की फुल्की अच्छी लेयर बिछा दी। जैसे कि पिटूनिया के सीड के ऊपर तो हमें ऊपर बिछाना भी नहीं होता, इस पर भी नहीं बिछाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जल्दी ग्रो करता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी लेयर्स पे बिछा दी एंथूरियम और क्या बोलते हैं पॉपी फ्लावर के ऊपर, आकर आप नहीं बिछाओगे लगाओगे एक एक लेयर तो भी अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे सीड होते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कर देते हैं पानी को स्प्रिंकल, ठीक है। ये हो गया हमारा सीड का काम, ठीक है। तो इन्हें देखो पानी है ना स्प्रे करके देना पड़ेगा ऐसे, स्टार्टिंग में आपको पानी ऐसे ही देना है जब तक इसमें, जैसे अभी मैंने जो सीड लगाए थे और अब वो अच्छे से ग्रो कर गए, ठीक है। तो उनको मैं पानी इस कंटेनर, ये जो कंटेनर रखा है ना, इससे दे देती हूँ उसके नोजल से धीरे धीरे, ठीक है। तो जब तक अच्छी ग्रोथ ना हो जाए ना, आपको पानी इसी तरह देना है, और कम से कम मैं हफ्ते भर तक इसे शेड में रखूँगी। अच्छे से शेड में रखने के बाद फिर इन्हें धीरे 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 10 डेज के बाद में धूप में निकालेंगे, जब और जब ऐसा लगे कि हाँ अभी ये दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करने लायक हो गए, तो फिर इन्हें हम इसे दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करेंगे। तो बस इस तरीके से इन्हें ऐसे अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगी, तो ऐसे थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मगर इस तरीके से क्या होता है कि सीड्स जल्दी जर्मिनेट होते हैं और इधर उधर बिखरते नहीं हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, बिखरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बस इस तरीके से मैं सारे ही सीड्स में ये काम कर दूंगी ऐसे, ठीक है। और इन्हें रखेंगे कहाँ, इस तरीके से ऐसे, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, मुझे दूसरा काम भी करना है, वो बल्ब भी लगाना है,
होती है। देखो मैं इसको रखूंगी यहाँ ऐसे इसके नीचे और इसको यहाँ से हटा लेंगे, तो इसे सारे ही सीड में ला के रखूंगी यहाँ। इस तरीके से आप रखते हो ना, इस तरीके से आप ग्रो करते हो ना, विंटर फ्लावरिंग के सीड्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो चलो ठीक है, ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद बल्ब के काम पे आएंगे फिर। तो देखो करते करते एक और बात याद आई कि टेम्परेचर बिल्कुल सही होना चाहिए। टेम्परेचर सही नहीं हुआ ना तो भी ग्रो करने में दिक्कत होगी। तो अभी कोई टेम्परेचर वगैरह देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी बिल्कुल सही है। अक्टूबर की आज अक्टूबर में डालने वाला है, ठीक है। तो ये एकदम विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए सीड्स ग्रो करने के लिए सही रहता है सीज़न। तो अब इस समय लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ज़्यादा लेट की तो फिर फ्लावरिंग होने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है बस। उसमें से सारे बल्ब मैंने ले लिए हैं, ये भी अभी लगाऊंगी। ये वाला है क्या बोलते हैं, ये नरगिस का बल्ब है। नरगिस का कौन सा कलर है यार मेरे पास में, वाइट और येलो का लगा जो आता है वही वाला है, नरगिस का है ये वाला। ये है मेरे पास फ्रेशिया का बल्ब, इसका कलर कौन सा, शायद पिंक कलर है इसका, देखना पड़ेगा मुझे अभी कि कौन सा कलर है। ये फ्रेशिया का बल्ब है। ये है हमारे पास रैननकुलस के, ये ऑरेंज है, ये पिंक है। मुझे नहीं पता ऑरेंज कौन सा है पिंक कौन सा है, मगर वाइट की जगह मैंने, अगर आपको कलर भी चेंज कराना हो ना तो कलर भी चेंज करा सकते हो। वाइट की जगह मैंने एक ऑरेंज ले लिया था, तो ये वो है, ठीक है। ये एशियाटिक लिली का बल्ब है, पिंक एशियाटिक लिली। एशियाटिक लिली इसके अलावा मेरे पास पहले भी थे, अब देखो कहाँ है इसके बल्ब ढूंढूंगी कि कहाँ है। ये एशियाटिक लिली का बल्ब हो गया। ये हमारे हो गए ग्लैडुलस के बल्ब, ऑरेंज वाइट ऑरेंज और येलो, नहीं ऐसा कुछ था यार, तीन देख लेना, ठीक है। इसके बाद भी ये हमारे हो गया, ये तीन शेड है अलग अलग, तीन कलर के। ये एक उसका है, किसका था, ये था हमारा ऑक्सेलिस का, ये छोटू सा जो है ना ऑक्सेलिस का, ठीक है। सारे ही कलरफुल हैं और मतलब अच्छे से ग्रो करेंगे, और सारे विंटर के हैं। कैसे ग्रो, इसको मैं अलग स्टाइल से ग्रो करूँगी, इस वाले को रैननकुलस के। इसके फ्लावर बहुत प्यारे होते हैं, रोजेज जैसे होते हैं, बहुत ही क्यूट, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये ऐसे इसके फ्लावर होते हैं, ये देखो इस तरीके से बहुत ही प्यारे। और इसमें से मेरे ऑरेंज कलर का भी है, तो ये अलग तरह से ग्रो करेंगे, बाकी ये सारा सेम मेथड से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इन्हें ग्रो कर लेते हैं, ये सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स के बल्ब है और विंटर के हैं, ठीक है। तो अब इसे ग्रो कैसे करें वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसका काम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे रैननकुलस के बल्ब है, इसका क्या मेथड है, इसके लिए मुझे कोई कंटेनर लाना पड़ेगा। इसमें इस प्लेट में मैंने थोड़ा सा पानी भर लिया, थोड़ा सा साफ फंजिसाइड डालती हूँ, ठीक है, इतना सा काफ़ी, ठीक है। अब पूरे आज पूरा दिन या चार पाँच घंटे, आपको जितना भी, ठीक है, चार घंटे भी काफ़ी है, तीन चार घंटे भी काफ़ी है, मैं ये जो बल्ब है ना इसमें डिप करके रखूँगी। क्यों, क्योंकि ये जैसे अभी आपको ऐसे लग रहा है सूखे सूखे से, ये फूल जाते हैं और अच्छे ग्रो करते हैं। अगर हम जस्ट इसको ऐसे ही लगा देंगे ना तो ये इनकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है। मतलब आप ये सोचो कि 90% की श्योरिटी की ग्रो नहीं करेगा रैननकुलस का बल्ब। तो इसलिए मैं इसको सबसे पहले तो फंजिसाइड इसलिए डाला, अगर आपके पास पे साफ फंजिसाइड ना हो ना तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो, ठीक है, उसमें भी आप लगा सकते हो। बस ये साफ तो इसलिए डाला है इसमें फंजिसाइड की, इसमें अगर कोई फंगस वगैरह का इन्फेक्शन है तो खत्म हो जाए। और इसमें मैं डिप करके रखूंगी अच्छे से, मतलब फूल जाएंगे उसके बाद इन्हें लगाएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी देर के लिए मेरे ये वाले बल्ब भी इसी में डाल दे रही हूँ, ठीक है। जब तक इनका काम चल रहा है ना, जब तक ये वाले बल्ब भी थोड़ी सी देर के लिए मैं इसी में डिप कर दूंगी, क्योंकि इन्हें मैं अभी लगाऊंगी, वो मेरा प्रोसेस चल रहा है, जब तक थोड़े बहुत हल्के फुल्के इसमें डिप रहेंगे ऐसे 10-1 मिनट के लिए, जब तक मैं इनका काम कर दूंगी। बस रैननकुलस के बल्ब वो जो है ना वो इसी में डिप रहेंगे आज 3-4 घंटे के लिए। जब मुझे टाइम लगेगा सेम इसी मेथड से लगा दूंगी, बाकी सारे बल्ब अभी ग्रो करने हैं हमें। तो इस तरीके से मैं इन्हें लगा देती हूँ, ठीक है। तो ये सारे विंटर फ्लावरिंग बल्ब है, आप अभी लगा लो, नहीं तो जैसे जैसे डिले करोगे वैसे वैसे ग्रोथ रेट इनकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब इन्हें लगाते हैं। इनके लिए चाहिए हमें छोटे छोटे से प्लांटर, कितने चाहिए मुझे छोटे छोटे से प्लांटर, प्लांटर चाहिए तो छोटे छोटे से 5 प्लांटर ले लेती हूँ मैं। ये हो गया, ठीक है, 5 प्लांटर हमारे ये हो गए। अब इसमें लगाऊंगी, बाद में इसमें नहीं लगाऊंगी, इनमें से जब ये अच्छे से ग्रो करने लग जाएंगे ना, जैसे सीड का मेथड रहता है ना वैसा ही, जब ये अच्छे से ग्रो करने लग जाएंगे तब हम इनमें से निकाल के इसको अच्छे प्लांटर में शिफ्ट कर देंगे। और वो भी किस में लगाऊंगी वो भी आपको सारी ये बातें शेयर करूंगी। अगर हम अभी डायरेक्ट प्लांटर में शिफ्ट कर देंगे ना बड़े किसी प्लांटर में, तो क्या होगा, ये ग्रोथ कम करेंगे, क्योंकि हम इन्हें एकदम ही सडन बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर रहे हैं, पॉटिंग मिल्क ज़्यादा दे दिया तो इनकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी बल्ब भी लगाएं ना तो पहले छोटे में लगाएं, अच्छे से जब आपको लगे कि हाँ ओके ये ग्रो करने लगे तब आप उसे बड़े में शिफ्ट करो, ठीक है। अरे छोटा चाहिए, छोटू सा, ठीक है।
तो देखो ये इसमें इसलिए डाला क्योंकि इसमें कोई फंगस वगैरह लगे तो घट जाए, ठीक है। अब एक बात, और पॉटिंग मिक्स सेम ही है जो मैंने उसमें काम में लिया था, वही पॉटिंग मिक्स है, ठीक है। अब एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा था कि आपको इसके साथ कोई गिफ्ट दिया जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं दिया है। देखो हम साफ और सीधी सी बात करते हैं, मैं आपको इनका नंबर दे दूंगी, नो डाउट प्राइस भी ठीक ही है, मगर अगर वो ये कहे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो मैं आपको कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है। 13 डेज में ये मेरे पास डिलीवर हुआ है और प्लस कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट नहीं दिया है, जबकि उन्होंने बोला है, या तो उनको बोलना नहीं चाहिए था, बोलना चाहिए था तो फिर उनको देना चाहिए था, ठीक है। वो आप देख लो कि सब्सक्राइब करना है और नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं पार्सल हुआ है, उन्होंने बोला था इसी के साथ देंगे। तो अब ये लगा देते हैं बल्ब इस तरीके से, और ये ऐसे स्पॉटिंग मिक्स अगेन सेम है जो मैंने सीड्स में काम में लिया था। बस मुझे ये सही लगा कि इनके है ना थोड़े से प्राइस ऑनलाइन जो हम मंगाते हैं उससे थोड़े से सही लगे, बस और कुछ नहीं है। और अभी मैं है ना कोलकाता से मैं अर्डेनियम के वो भी मंगा रही हूँ, अर्डेनियम के सैपलिंग्स, ठीक है। सैपलिंग्स क्या, अर्डेनियम के वो बल्ब कोडेक्स, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप अर्डेनियम मंगाना चाहें ना, हाइब्रिड वाले बहुत सही रेट पे मिल जाते हैं इस सीज़न में, ठीक है। अगर आपको लगाना आता हो, उन्हें संभालना आता हो, तो आप इस सीज़न में मंगा लो अर्डेनियम, आपको हाइब्रिड वाले इस सीज़न में बहुत सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि इनका ऑफ सीज़न होता है एक तरह से, ठीक है। वो सस्ती रेट पे, अच्छी रेट पे आपको मिल जाते हैं। वो भी कहाँ कैसे क्या मंगा रही हूँ वो आपको बताऊँगी। बहुत सर्च करने के बाद मुझे एक अच्छा सा लिंक मिला है कि वहाँ से मैं मंगा सकती हूँ अर्डेनियम प्लांट, ठीक है, उसका भी आप वीडियो देखना। ये हो गया, अब क्या कर रही हूँ, हल्का सा इनमें होल कर दे रही हूँ ऐसे, और बाद में इन्हें मैं अच्छे प्लांटर में शिफ्ट करूँगी। अभी मैं इसी में लगा रही हूँ, क्यों, रीज़न क्या है आपको पता है कि ये जिससे इनकी ग्रोथ रेट अच्छी हो जाए। हल्का सा मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, अंदर की तरफ दबा रही हूँ ऐसे, और इसे ऐसे, जितना कम पॉटिंग मिक्स अभी रखोगे ना ग्रो करने के लिए, उतना ये जल्दी ग्रो होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये लगा देते हैं हमारा नरगिस का, ये ऐसे, अरे यार नरगिस ही है ना, हाँ नरगिस का। अभी नाम बोलने में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ये सारे लगा रही हूँ ना, इसीलिए अब ये लगा देते हैं हमारे, ये ऐसे लगाना है। ये देखो ग्लैडुलस के बल्ब, ये नीचे तीनों ही अलग अलग कलर के हैं, और ये इस तरीके से ऐसे, जब ये ग्रो करने लगेंगे ना तब हम इन्हें प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। ये ग्रो करने का सही मेथड पे है कोई भी बल्ब लगाने का। ये देखो थोड़ा सा अंदर पुश कर देती हूँ उसको, और फिर ऐसे। अब ये वाला ले लेते हैं, तीन में लगा दिया ना, हाँ ठीक है, इसमें लगा तो नहीं दिया था ना, मैं सोच रही हूँ मैं लगा तो नहीं दिया था ना, इसका जो ग्लैडुलस का है ना ये शेड चेंज हो जाता है इसका, अगर इसके बल्ब का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होता है उससे हम पता भी कर सकते हैं कि इसमें कौन सा फ्लावर खिलेगा। बहुत ही प्यारा फूल खिलता है यार, बहुत ही प्यारा इसका स्टॉक निकलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्लैडुलस का बल्ब का काम खत्म, ठीक है। इसमें लगा लिया ना, ठीक है। अब एक बच गया मेरा, ये वाला एशियाटिक लिली, इसके लिए एक और प्लांटर तैयार करना पड़ेगा, ये है नीचे, तो बस एक और ये तैयार कर दिया। इन सब पे मैंने टैग लगा दिए, जिस पे नहीं लगाए ना उस पे मैंने नीचे लिख दिया, ये देखो इस तरीके से नीचे लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब ये वाला एशियाटिक लिली का लगा देते हैं, एशियाटिक लिली ऑरेंज कलर की, ना ना पिंक कलर की, इसको ऐसे ऐसे। अब इसके ऊपर पॉटिंग मिक्स डाल देते हैं थोड़ा सा, साइड साइड से, ज़्यादा नहीं डालना है, ऊपर ऊपर कम, जितना पॉटिंग मिक्स रखोगे ना उतना ये ग्रो अच्छा करेगा। टेम्परेचर अच्छा रहा होना चाहिए, पॉटिंग मिक्स अच्छा होना चाहिए, और इन्हें आप शेड में रखें, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारा लास्ट का एक बचा है जिसे मैं भूल गई थी, वो है हमारा ऑक्सेलिस का बल्ब, और ऑक्सेलिस के बल्ब को मैं एक दीपक में लगा रही हूँ। देखो इतना छोटा सा बल्ब है, और क्योंकि मुझे इसकी ग्रोथ रेट जल्दी चाहिए, ऐसा नहीं कि जितने बड़े उसमें लगाऊंगी ना उतना ये लेट ग्रो होगा, इसलिए छोटे से उसमें लगा रही हूँ। ये छोटा सा मेरा बल्ब मैंने ले लिया है इस तरीके से, ठीक है। अब इसको ही देख लेते हैं कहाँ से ये ग्रो होगा, ये यहाँ से इसकी, ये देखो देख रहे हैं आपको ऐसे, तो इसको ऐसे मिट्टी में हम दबा देते हैं अच्छे से। इस छोटे से मैं जितना मैं लगाऊंगी ना उतना ये जल्दी ग्रो होगा, जितना बड़े में लगाऊंगी ना उतना इसकी ये ग्रो कम होगा, बिकॉज ये एक ही छोटा सा बल्ब है मेरे पास में ऐसे, ठीक है। इस पर स्प्रे करके पानी देना है, इन भी नहीं दूंगी स्प्रे करके पानी, इस पर दूंगी बिकॉज ये बहुत छोटा सा है, और इसका टैग यहीं रख दूंगी, इसका टैग मैं यहीं रख दूंगी ऑक्सेलिस का,
नाम गड़बड़ हो जाए बोलने में तो उसका वो तो उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते इधर उधर स्लिप हो जाता है यंग सेलिस का बल्ब है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे मैंने लगा दिया, फटाफट से इन्हें पानी देते हैं। अभी मैं आज यहीं रहने दूंगी, ठीक है, अच्छे से ग्रो करने, मतलब यहाँ कहीं छाया में रख के जाऊंगी, और या तो शाम को टाइम मिला तो शाम को, नहीं तो सुबह लगा दूंगी। कल कोशिश करूंगी कि शाम को आके लगा दूं। सेम यही मेथड है जैसा ये मैंने लगाया, सेम उसी मेथड से। देखो अभी आपको लगा होगा हल्के हल्के से फूलने लगे, दिखाऊंगी आपको वीडियो में, सब दिखाऊंगी। देखो इसे मैं ले आई हूँ यहाँ, ये यहाँ रख दिया, ठीक है। फटाफट से पानी देते हैं इसको और चलते हैं नीचे। तो बस अब वीडियो को मैं यहीं बंद करूंगी, और ध्यान रखो हफ्ते भर तक इन्हें अच्छे से मैं यहाँ नीचे, ये जगह आपको दिख रही है ना, यहाँ रख के जाऊंगी। ये तो मैंने यहाँ रख दिए, ये मैं यहाँ नीचे रख के रहूंगी और आपको बताती रहूंगी डेली का रिव्यू, ठीक है। यार इसका टैग इसके बाद साइड में कर लेते हैं। हाँ, जितने छोटे में जितना छोटा बल्ब है उसको आप उतना ही छोटा वो प्रोवाइड करवाओगे ना प्लांटर, तो उतनी अच्छी ग्रोथ करेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको मैं बड़ा कर देती थी तो इसकी ग्रोथ रेट बहुत वैसी रहती, क्या बोलते हैं, लेट ग्रो करता है। इसको यहाँ रख दिया मैंने उक्सलिस को, अब इन सबको तो इसी से पानी लेंगे हम। सब पे मैंने नाम टैग वगैरह सब लगा दिए जिससे मुझे पता चलता रहे कि कौन सा क्या है। और अभी भी आप बल्ब मंगा सकते हो, ऑनलाइन मंगा लो, ज़्यादा डिले करोगे तो आने में भी टाइम लगता है, और आपके यहाँ मिलता हो तो सबसे ही बेस्ट बात है। हमारे यहाँ नहीं मिलता है, हमें तो ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है सारे काम, ठीक है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं टेरेस गार्डनिंग की। अपने ध्यान रखिए, आपके पास जो भी गार्डन हो उसका ध्यान रखिए, अपने पौधे को उससे प्यार करिए, और तो क्या कहें बस, ठीक है। और सीज़न आ चुका है विंटर का, ठीक है, अभी नहीं आया है विंटर गार्डनिंग की शुरुआत का, तो सीज़न आ चुका है, ठीक है। आप अपना फटाफट से जो कुछ करना है वो कर सकते हो। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है। अभी तो ये बल्ब थोड़े आपको इधर उधर निकले हुए दिखेंगे, इसलिए क्या है कि जल्दी ग्रो हो जाए, बस रूट्स आ जाए, बाद में ये मेथड नहीं होगा, बाद में इनको प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। अभी जस्ट इसलिए क्या है कि इनके रूट्स वगैरह सब अच्छे से जल्दी डेवलप हो जाए, ठीक है। आप रख देते हैं इन्हें या नीचे, ठीक है। बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके बाय। अब आ चुके हमारे छत पे, मैं पानी मैंने डालना आई थी छत पे, सुबह पानी नहीं डाला था ना, तो मुझे लगा रैनन कुलर्स के बल्ब भी लगा देने चाहिए, तो मैं यहाँ ले आई। अब इसमें लगाऊंगी रैनन कुलर्स के बल्ब। अब देखो कितने ग्रो कर गई है, पंजीसाइड के पानी में मैंने सुबह इसको गलाए थे ना, अब इसको हो गए होंगे 7-8 घंटे हो गए होंगे, ठीक है। देखो कितने अच्छे से फूल गए, सुबह आपने देखे थे कि कैसे हो रखे थे, अब ये देखो कैसे हो रखे, ठीक है। एक्चुअली ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी रूट्स होती है, ठीक है, यहाँ से कट कर देते हैं यहाँ से, और नीचे से रूट्स डेवलप होती रहती है। सुबह तो ये कैसे लग रहे थे एकदम ऐसे, मतलब बिल्कुल झाड़ जैसे, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, रेशे से पतले पतले से, ठीक है। अभी कितने अच्छे से हो गए, अब इसको ऐसे लगाना है, ठीक है। तो मुझे लगा लास्ट ये बल्ब भी मेरा बचा हुआ है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे लगाने होते हैं, ठीक है। बस इस तरीके से इसको ऐसे ऊपर, अब गड़बड़ क्या हो गई मेरे साथ में, मैं वो नहीं लाई यार। अगर आपके पास में ये ऐसा फंजीसाइड ना हो ना, तो मैंने सुबह भी आपको बताया था सुबह कि आप है ना वो कर दो, क्या बोलते हैं, हल्दी थोड़ा सा ना आधे चम्मच हल्दी पाउडर में भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी में डालना ज़रूरी है, ठीक है। ये लग गए हमारे रैनन कुलस के बल्ब इस तरीके से ऐसे। अब अच्छे से दे देंगे पानी। अब दिक्कत यहाँ हो गई कि मैं वो इसका टैग बनाना भूल गई यार, भूल ना जाऊँ कि इसमें क्या है। चलो ठीक है, सुबह बना के लाऊंगी टैग और उसमें लगा दूंगी, नहीं तो ऐसे हम बल्ब सीढ़ियाँ कुछ भी लगाते हैं ना, तो टैग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बस ठीक है, हो गया ये काम हमारा, ये बल्ब भी हमारा लग गया, हो गया काम हमारा खत्म। अब इसको भी उनके साथ में वहाँ रख देते हैं।